केंद्र के कृषि अध्यादेशों का किसान ही नहीं व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद हरियाणा और राजस्थान में किसानों और आढ़तियों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। देखिए क्या है वजह इस रिपोर्ट में। 3.5 लाख लेबर के साथ में 13,000 हमारे दुकानदार और उनके परिवार आज इससे बड़े ही शोकग्रस्त होकर के ये आज का आंदोलन कर रहे हैं। और न केवल इसमें मुनीम गुमास्ते हैं, ठेली ठाले वाले और टेम्पो वाले और ये सब भी इसमें शामिल हैं। मजदूर भी अब त्रस्त है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा अगर मंडी में व्यापार बंद हो गया तो। अगर मंडियां बंद हो गईं तो हम कहाँ जाएंगे? इस सवाल के साथ बीते शुक्रवार को राजस्थान और हरियाणा की मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल रही। इनके सामने ये सवाल केंद्र के उन अध्यादेशों से आया है जो एपीएमसी यानी मंडी एक्ट को मंडी परिसर तक सीमित करता है और इस परिसर के बाहर की निजी मंडियों को टैक्स मुक्त कारोबार की इजाजत देता है। मंडी एक्ट के तहत कारोबार करने वाले आढ़तियों को लगता है कि वो मंडी परिसर के बाहर बनने वाली निजी मंडियों को टैक्स में मिली छूट के चलते उनका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे और अपनी रोजी रोटी और सारा कारोबार गंवा बैठेंगे। मंडी परिधि के अंदर जिसपे टैक्स लगाया जा रहा है और मंडी के बाहर जिसपे कोई टैक्स नहीं है, ये कैसा संभव है बताओ? एक ही चीज के ऊपर दो टैक्स कैसे हो सकते हैं कि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है और मंडी के अंदर टैक्स है? तो ये सरासर नीति जो है सरकार इस तरह से आढ़तियों को उससे बाहर करना चाह रही है। पहले बिहार में इन्होंने वो लागू किया था, वहां का आप देखो किसान की क्या हालत है। वो बेचारा दूसरे प्रदेशों में जाके अपनी मजदूरी कर रहा है, हमारा किसान खुशहाल है। इसलिए हम इन अध्यादेशों का विरोध करते हैं और सरकार से विनती करते हैं अध्यादेश को वापस ले। जो साथ में जो मंडियां लगती हैं किसान वही तो जाएगा, बाहर कितने जाएगा? यहाँ का किसान आप यूपी जा थोड़ी जाएगा, बिहार थोड़ी जाएगा, पंजाब में थोड़ी जाएगा। ये मंडियां किस लिए बनाई सरकार ने? तो एक बात मैं ये कहता हूं, जो राइस मिलर हैं हमारे पैसे रख लेते हैं तो किसान की क्या सिक्योरिटी को किसान का पैसे टाइम पे मिल जाएगा? इस सांकेतिक हड़ताल के बाद जहां राजस्थान के आढ़तियों ने 25, 26, 27 और 28 अगस्त को सारी कृषि उपज मंडियां बंद रखने और मंडी सेस के साथ कृषि कल्याण शुल्क न चुकाने का फैसला किया है, वहीं हरियाणा के आढ़तियों ने केंद्र के अध्यादेशों को वापस न लिए जाने पर मंडियों में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की 247 मंडियां अपना व्यापार 25, 26, 27, 28 को बंद रखेंगी। ये आंदोलन हम भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए 5 जून 2020 के अध्यादेश के विरुद्ध में कर रहे हैं। 6 जून से ये हमारा संघर्ष जारी है। इसमें मैं ये मानता हूं कि लगभग 30 से 40 हजार आढ़ती जो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं और उसके बाद लगभग 70 हजार के 80 हजार के करीब जो हमारे मुनीम भाई हैं हमारे साथ और लगभग 2 से 2.5 लाख जो लेबर के करीब है हमारे यहाँ मजदूर भाई हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं जिनका रोजी रोटी का साधन मंडियों से चलता है, आज सरकार उन सबको सड़क पर लाने का काम कर रही है। मैं फिर भी एक बार चेताना चाहूंगा सरकार को, ये सबकी सबके बारे में सोचे और इसके बारे में पुनर्विचार करे और उसके बाद अगर नहीं चाहती तो हम फिर से एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। नुकसान कितना? हम सरकार से आग्रह करते हैं और आह्वान करते हैं कि इसको वापिस ले अध्यादेश को, और हम 25 तारीख की अपनी दिल्ली किसान यूनियन की अपनी मीटिंग बुला रहे हैं और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर हम एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। हरीश माड़ती भाई भी हमारे साथ रहे, हम भी साथ रहेंगे और सरकार को ये बहुत मजबूर करेंगे अगले अध्यादेश वापिस लेने। केंद्र सरकार अपने अध्यादेशों को एक देश एक बाजार की व्यवस्था लागू करने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन जिस तरह से आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है वो इस बात का साफ संकेत है कि किसान और आढ़ती दोनों ही सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान में रामस्वरूप लामरोड और हरियाणा में रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स और आज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर राजस्थान के किसान ग्रामीण किसान मजदूर समिति के संयोजक रंजीत सिंह से बात की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने, आइए सुनते हैं। जी तो इस पर किसानों का क्या मानना है, इस पर सीधे बातचीत करते हैं गंगानगर किसान मजदूर समिति के कन्वीनर रंजीत सिंह जी से। रंजीत जी, जो गंगानगर में बात कर लें या फिर अभी तो खबर आ रही है कि पूरे राजस्थान में जो आढ़ती और व्यापारी हैं वो इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ 25 अगस्त से अगले 4 दिन तक मंडियां बंद रखेंगे, आपको क्या लगता है उनके इस फैसले से किसानों की जो आवाज है उसको बल मिलेगा, सहारा मिलेगा?
जी मैडम बिल्कुल, बल भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, किसान के साथ साथ मंडियों की भी है और मंडियों के मजदूरों की भी है। तो हमारा सबसे अपील है, और आज मंडियों बंद करके वो किसानों को बल नहीं दे रहे, वो अपने आप को बल दे रहे हैं, अपने धंधे को बल दे रहे हैं और आमजन को बल दे रहे हैं। इससे हमारा जो आंदोलन है उसको एनर्जी मिलेगी। जी एक और बात बताएं कि जो मंडी शुल्क है, बात वहां पर आकर खराब होती है कि जो निजी मंडियां हैं उनमें मंडी शुल्क नहीं देना होगा, और इसी के विरोध में आढ़ती और व्यापारी भी सामने आए हैं। ये जो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया गया है, जो इससे जुड़े जो नीति आयोग में सदस्य हैं और सरकार में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि एक तरह का कंपटीशन बढ़ेगा और असल में ये किसानों के हित में है। फिर क्या कारण है कि किसानों के समेत व्यापारी और आढ़ती भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं? मैडम ये बिल्कुल गलत बात है, कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, कंपटीशन घटेगा। इन्होंने व्यापारियों में ही डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया। जो मंडी में माल खरीदेगा उसको शुल्क देना पड़ेगा, जो मंडी के बाहर खरीदेगा उसको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी कि कंपटीशन बढ़ाने की बजाय कंपटीशन घटेगा, ये एक तथ्यहीन बात कर रहे हैं। और दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अपने मंडी में शुल्क देते थे वो शुल्क किसके काम आता था? उससे ग्रामीण एरिया का विकास होता था, उससे सड़कें बनती थी, हमारी पुलिया बनती थी। क्या अब हम जो हमारा ग्रामीण एरिया है वो सड़क रहित होगा, पुलिया नहीं बनेंगी उस पर? तो 80% आबादी जो किसान की है, ग्रामीण भारत की है, वो जो आज हमारी फसल पे शुल्क दे रहे थे, वो सारा शुल्क अब हम किसी और रास्ते से लेंगे? ये सड़क तो चाहिए ना हमें। तो जो ढांचा खड़ा किया गया, जो संघीय ढांचा चल रहा है, ये दुनिया भर में बहुत बढ़िया ढांचा है, हमारी फसल खरीद का एपीएमसी मंडी एक्ट, तो ये ढांचा ऐसे ही रहना चाहिए। एक जो मैं माल लेके अपना, मान लीजिए एक मंडी में गया, मंडी में जाके मैंने ढेरी कर दी, तो वहां 5-6 व्यापारी आए, उन्होंने सामने बोली लगाई, कंपटीशन वहां हुआ ना, कि मैं माल लेके बस सड़क पर बैठा, मेरे फोन पे दलाल को पूछा, दलाल ने भाव बताया, वहां कहां कंपटीशन हुआ? कंपटीशन मैडम सामने में होता, मंडी में होता, मंडी के बाहर कंपटीशन नहीं, किसान की लूट होगी। एक और बात बताएं कि जो ये व्यापारी और आढ़ती अब सामने आए हैं लड़ाई में, तो आपको लग रहा है ये भी उतनी ही पुरजोर तरीके से आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल है, या फिर कुछ और गुंजाइश बाकी है इनकी तरफ से? मैडम सरवाइव करना है तो सड़क पे आना पड़ेगा, मुखर होकर लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा देना और लेना पड़ेगा। अगर व्यापारी सोचेगा मैं अकेला लड़ाई अपनी लड़ लूंगा, किसान सोचेगा मैं लड़ लूंगा, ये किसान संगठन राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि ये सबकी हक अधिकार की लड़ाई है। अगर व्यापारी, किसान और आमजन मजदूर एक साथ होकर लड़ेंगे, और जो विपक्ष की भूमिका ना संसद में दिख रही है ना विधानसभा में दिख रही है, वो हमें विपक्ष की भूमिका सड़कों पे अदा करनी होगी। जब सड़क पे विपक्ष आएगा जनता के रूप में, तब जाके किसान को और मजदूर को उसका हक मिल सकता है, व्यापारी भी फ्री बचेगा, एक दूसरे के साथ से बचेगा। मैडम जी जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए।